इसी आधार से परमात्मा ने तो मंदोदरी को कहा था कि तुम्हारे शंकर से ऊपर एक और परम शक्ति है, ये तो नाशवान है, इनके द्वारा दिया गया जो सुख है अक्षीणिक है, ये आपके प्रहार्त के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी साची मानी क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं, फिर बातें खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसे ही दृढ़ता से मानते रहे। अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तक गोबर भरा था अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी और मांस खावे शराब पीवे उसका यह अच्छी बात कैसे स्वभाव है। तो वो कहने लगा कि ए मूर्ख, तो शंकर भगवान से ऊपर मानती है, देख मेरे क्या ठाठ करा के है, 100,000 मेरे पुत्र हैं, 125,000 मेरे नाती हैं और देख सोने की लंका बना रखी है, अरे क्या देगा तुझे वो भिखारी। मंदोदरी ने बहुत कोशिश की पर बुद्धि भ्रष्ट के बाद पल्ला पड़ी नहीं। फिर मंदोदरी ने कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने सोचा चल और कोई मेरी चर्चा सुनने वाला नहीं, ये ऐसा ज्ञान है इंसान दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकता। तो उसने अपने देवर रावण के छोटे भाई विभीषण से समझाया ये ज्ञान, और विभीषण ने ये ज्ञान स्वीकारा और विभीषण ने भी परमात्मा से दीक्षा ली और वो भक्ति की। अब हम आते हैं उस बात पर कि जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया और उसकी खोज हो रही थी, कोई पूर्व में ढूंढ रहा था, कोई पश्चिम में खोज रहा था, कोई उत्तर कोई दक्षिण में, जैसे किसी की गाय गुम हो जाए, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई ऐसे खो रहा, ऐसी दशा थी। अब यहाँ इस कथाओं से आपको बहुत सा निर्णय मिलेगा, और आपने ये कथा खूब सुन रखी थी पर इनका निष्कर्ष नहीं निकाला था। अब जैसे जड़ी बूटियाँ रखी हैं और उनकी गुण भी लिख रखे हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनसे औषधि बनाने वाला जब तक नहीं मिलेगा तो उन जड़ियों से क्या लाभ है, उनके ज्ञान से भी, उनकी कथाओं से भी। आपने ये भी सुना होगा कि जिस समय श्री रामचंद्र जी की सीता उठा ली गई थी और वो पेड़ पौधों से भी लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, डकरा रहे थे, रो रहे थे, पशुओं से भी गले से मिलकर पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता देखी, आकाश से कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि नीचे कौन रो रहा है, तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया ऊपर से ही, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन भाई हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बीच वाले हैं, शंकर जी सबसे छोटे हैं, और पार्वती जी तो शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानती थी, एक तो पति परमेश्वर, फिर महादेव नाम से जाने जाते थे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महादेव होकर के किसको नमन कर रहे हैं कि सामने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु है, नीचे उनकी पत्नी सीता को कोई उठा ले गया है, वो लीला करने आए हुए, अपने बड़े भाई यानी भगवान को, विष्णु भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अब पार्वती जी ने सोचा कि भाई भगवान रोए, ये दोनों बात नहीं हो सकती, ये रामचंद्र दशरथ पुत्र है, ये रो रहा है, भटक रहा है, इसको आप परमात्मा कह रहे हो। भगवान शंकर बोले, पार्वती आप नहीं जानते, ये सचमुच ऐसा ही है, इनको अब नहीं कोई पहचान पा रहा है। तो पार्वती ने कहा कि मैं परीक्षा लूँगी और सीता रूप बना कर जाऊँगी, यदि ये मुझे पहचान लेगा तो मैं मान लूँगी वो भगवान है, और नहीं तो मैं कतई नहीं मानूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो तू मेरे काम तो गई, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगी तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, तो माँ के तुल हो जाएगी। उस समय तो पार्वती ने कहा कि ठीक है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी जी,
अब शिव जी गए सैर सपट्टे को, और आदत है ये, इस मन का स्वभाव है कि क्या पता चलता, अभी दो मिनट में परीक्षा लेकर आती हूँ। सीता रूप बनाया, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी, जिधर से रास्ते में खोजता हुआ जा रहा था। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे राजा दक्ष की बेटी, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई, अकेली कैसे वन में? तो शर्मिंदा हुई और कहा कि सचमुच शंकर भगवान जी आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, आप तो सचमुच भगवान हैं। अपने आत्मा यहाँ देखना, एक पॉइंट सोचने का है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में स्पष्ट किया है कि ये काल बोलता है गीता को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जब चाहे स्विच ऑन कर दूँ इनकी बुद्धि का, और जब चाहे ऑफ कर दूँ। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को ताकत दे दी और लाखों लोगों का नाश कर दिया उस काल से प्राप्त शक्ति से, और फिर वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था, एक हत्या हो गई थी और सारे यादव आपस में लड़ मरे थे, उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने अर्जुन को पीटा लूटा, और वही धनुष जिसे महाभारत का युद्ध जीता था वो साथ लिए रहता था उसको, और उस दिन उसके हाथ नहीं उठे, खड़ा खड़ा कांप है वो। जब सारा काम वो लिया, वो भील भ्याल पीट कर लूट कर कुछ औरतों को भी ले गए और चले गए, तब अर्जुन कोस रहा श्री कृष्ण जी को कि श्री कृष्ण बड़ा धोखेबाज था, इसने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, पहले तो मुझे शक्ति दे दी और ना जाने कितने जीवों का नाश करा मैंने, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही गांडीव, धनुष है मेरे पास, आज ये मेरे से प्रतिंचा भी नहीं चढ़ाई जा रही इसकी। तो परमात्मा ने बताया कि ना श्री कृष्ण धोखेबाज था, ये सारे इस काल के अधीन हैं, इसके रिमोट से चलते हैं। तो उसी ने, काल ने जब विनाश करना था महाभारत का, तो अर्जुन को ताकत दे दी और फिर वापस ले ली, उसने अपना काम करा दिया जो करना था नाश, अब अर्जुन कितने पिट्टो। इसी प्रकार ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे पास है। अब जब श्री रामचंद्र जी की खुद पत्नी गुम थी, उसका तो पता नहीं उसने कौन उठा लेगा, ढूंढते फिर जैसे गायें गुम हो जाया करे, हर वह पार्वती पहचान ली, अरे तू तो पार्वती है सीता नहीं है, तो वहाँ उसकी ऑन कर दी और फिर ऑफ कर दी, अब खा धक्के। अब क्या होता है, अब हनुमान जी ने छलांग लगाई, एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है, आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ हनुमान जी, उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया है, इसलिए वहाँ जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी, सूरवीर बलवान थे, हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊँगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी अंगूठी निकाल के, उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने, एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था, और उससे रोजाना यातना दिलाता था, और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था, वो उसने स्वीकार नहीं की। और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा, स्वेच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा था, और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी, छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का, हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे। यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था, जब वो चली गई उसके बाद फिर हनुमान जी ने ऊपर से वह अंगूठी डाल दी, वो तो राजदूत बनकर गए थे,
जब अंगूठी देखी सीता ने, तो आपने कथाएं खूब सुन रखी हैं, ज़्यादा ना सुनाऊंगा। तो उसने सोचा कि ये बंदर अंगूठी उठा कर लाया तो मेरे पति की मृत्यु होगी होगी। तो उसने पूछा, तो फिर वो नीचे आया, अपना थोड़ा ठीक सा रूप बना के खड़े हो गए और कहा, माता मैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जी ने भेजा हूँ और ये कहानी है। अब कहने का भाव ये है कि वो जो कुछ भी उसने उदमस्ता रहा हो तो आपने पता ही है, हनुमान जी ने नौनखा बाग भी उजाड़ दिया उसका और सारा कुछ कर दिया। क्योंकि आज कथा का विषय कुछ अन्य है इसलिए यहाँ लंबा प्रकरण नहीं करूँगा। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा, इस बाग के किसी वृक्ष के फल को तोड़ के मत खाना भाई, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मेरे को आदेश है कोई फल गिर जाए तो खाना, तो टूटा हुआ अपने आप तोड़ के नहीं खाएगी। तो हनुमान जी का उठा गुस्सा, उसको गुस्सा हुआ। उसने कहा, ठीक है पहले तो सारे तोड़ तोड़ के फल खाए, फिर वह पेड़ पड़ पड़ कर समुन्द्र में फेंक दिए। उनको पता चला तो युद्ध हुआ, अपने पता ही है काफ़ी, फिर लंका लुंका भी फूक फाक थोड़ी बहुत जला के आ गया। और उसमें क्या कहा कि माता जी तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके, हाँ सीता जी की है, खोज पक्की होगी क्योंकि इतना समुंदर को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएंगे। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था, हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूँगा, सामने बाग सुंदर फलों से लथपथ है, आहार करूँगा और फिर ऋषि जी भी साथ में हैं, इनके दर्शन करूँगा, पहले स्नान कर लेता। अब जो कंगन वो ले आया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुखी सांस ली के कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बात तो बिगड़ जाती, गढ़े में डाल गया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी, पहले गढ़े में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था, तो गढ़े में क्या देखा कि गढ़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा, भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं कोई कंगन कौन सा है, और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा ले गया तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा, क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूँ, क्या आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, माता की खोज करके मैं आया हूँ। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है, अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको ये नहीं पता राम कौन है।
परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आऊँ ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम हो लिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही लीला करते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज़्यादा बहस करना उचित नहीं और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले अरे भले आदमी, तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं, तो मैं क्या बताऊँ, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहाँ से आपके पास, कि अब सुन मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है, ऐसे ऐसे न जाने कितनी बार धक्के खा लिए इसने, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है, और मैं यहीं बैठा हूँ जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहाँ बैठा हूँ। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं, इसी प्रकार वो बंदर उठाकर इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा, कहाँ लेकर जाता है, इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता है, एज इट इज एक के दो कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया ले, इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत दो होगी एक जैसी। अब वो दोनों को देख रहा कि सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूँ, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूँ। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए कोई कंगन निकाल ले जा बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को, लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सच बात हो, उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहाँ है, सारे लक्षण बता दिए, और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब समस्या आई कि उसके ऊपर पुल बनाएंगे समुद्र पर। वो कथा आपको सुना दी कि 3 दिन तक स्वयं रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर के याचना करता रहा। 3रे दिन जब उसने कहा लक्ष्मण से कि मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूंकता हूँ। 3 दिन हाथ जोड़ता रहा कि हे सागर राज मुझे रास्ता दे दो, ये मान नहीं रहा है। तब विपर रूप धारण करके समुद्र आया, उसने कहा कि भगवान ऐसा ना करो, इसमें ना जाने कितने जीव जंतु हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, आपको पाप लगेगा।
और ये जल सारा समाप्त हो गया तो ये गड्ढा बन जाएगा हजारों किलोमीटर गहरा, आप फिर भी नहीं जा सकते। कि हे रामचंद्र जी, ऐसा काम करो सर्प भी मर जाए लाठी ना टूटे। तो वो कारण जानना चाहा तो समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में ये नल नील नाम के दो ऐसे भक्त हैं जिनको इनके गुरुदेव का आशीर्वाद है कि इनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते मेरे ऊपर और कोई चीज़ यहाँ पर फ्लोट नहीं कर सकेगी। अपने आत्माओं यहाँ मान बड़ाई ख़त्म करती है और जितने भी वहाँ आसपास ऋषि महर्षि भगत लोग थे वो विष्णु पुजारी होते ही थे उस टाइम, तो सब ने पता चला कि विष्णु के अवतार श्री राम आए हैं, श्री राम की पत्नी उठा ली गई है, पता चल गया है वो रावण के यहाँ है, उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे लड़ाई करेंगे, वो मान नहीं रहा। तो नल और नील ये भगत सारे पहुँच गए सेना में, क्योंकि भगत तो हेल्प करे करें दुखी ऐसा है कि, तो वो भी सेना में खड़ा पाया आगे दोनों। तो उनको बुलाया गया, रामचंद्र जी ने कहा भी नल नील कौन है वो आगे आए। अब उन आत्माओं यहाँ मार खाता है इंसान और परमात्मा इस प्रकार की जो हम गलतियाँ करते हैं अपना भक्ति नाश करते हैं उसके लिए सतर्क करते हैं। यहाँ पर क्या किया, नल और नील के मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि आज हनुमान भी फेल, रामचंद्र भी फेल, क्योंकि पत्थर नहीं तर रहे, समुद्र पुल नहीं बन रहा, हमारे पास ऐसी शक्ति है कि पत्थर रखेंगे तैर जाएंगे, आज हमारी वाह वाह हो जाएगी, अंगद भी फेल, सुग्रीव भी फेल, जामवान भी फेल, ये फेल का चक्कर मारा जीव ने। तो उस दिन वो आए ना, मालिक याद किया, रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है पत्थर तैर जाते, कहाँ जी है कि ट्राई करके दिखाओ, उठाया पत्थर रखा, क्यों अभिमान था कि कर देंगे काम, वो डूब गया, दूसरा फिर रखा वो भी डूब गया, तीसरा फिर रखा वो भी डूब गया। अब रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे हैं, विप्र रूप में खड़े थे ब्राह्मण रूप में, और ये कहना चाह रहे हों कि तू झूठ बोलता था, इनके पास कोई पावर नहीं। तभी समुद्र ने कहा, विप्र रूप में खड़े समुद्र ने, क्योंकि ये देवता होते हैं, ये जल जो है ये देवता नहीं है, जल का कंट्रोलर एक देवता है उसको वरुण कहते हैं, वो आकर खड़ा हो गया। तो वो कह रहा था कि हे नल नील, आज आपने गलती की भाई, आज तुमने अपना गुरु तो याद किए ही नहीं, तुमने तो नाश कर दिया बात का, करो याद उस मालिक को। तब उनको भी याद आया कहाँ वाली गलती बन गई आज तक। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लग तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो तो उसकी कितनी केयर टेक करती है वह उस लाल को सफल करने के लिए कि मेरा गर्भ पूरा हो और बच्चे का मुंह देखूं मैं, तो वो कैसे चिंतित रहती है चलते समय भी, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, भगवान मेरा बालक गर्भ खराब ना हो जा। रात को सोती है, करवट लेती है, तब भी एकदम उठ के उदड़क जाती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को और रख है यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हो जाता है तेरी, ऐसे भक्ति नसावे। तो इस भक्ति रूपी गर्भ जो आज आपकी आत्मा में परमात्मा के सच्चे शब्द से पल रहा है, इसको इतना संयम से, इतना देखभाल से, यानी सावधानी से इसको परिपक्व करना पड़ेगा। जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति नसावे। तो छोटी मोटी हम गलती कर देते हैं लापरवाही में, क्योंकि हमने इस लाल की कीमत का नहीं पता, जो आज हमारी आत्मा में सत भक्ति रूपी जो मालिक का मंत्र से गर्भ रह रहा है, यानी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, जो भक्ति रूपी जो लाल हमारे अंदर बन रहा है, इसको ऐसे संभाल के रखना है, ना अभिमान करना है, कोई मर्यादा भंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब उन्होंने परमात्मा को याद किया,
रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोल लखी अपार सिंधू पे सला तराने वाले। जा सतरे खोल की अपार सिंधू पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की वो पीड़ मिटाने वाले। नल नील ने जब याचना की हृदय से, हे भगवान गलती बन गई, आपके हाथ में इज्जत है हमारी, तो उसी समय परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए। थोड़ी सी दूरी पर सब ने देखा कि वो कौन आ रहा सामने। नल नील ने भी देखा, ये तो मेरे गुरुजी आ गए, हमारी पुकार सुन ली इन्होंने। जब मुनिंदर जी निकट आए, सभी ने दंडवत प्रणाम किया, श्री राम ने, हनुमान ने, सब ने। हनुमान जी ने देख लिया, बाबा जी तो वही है भाई, ये तो बिल्कुल सही, ये तो शक्तिशाली ऋषि हैं। लेकिन उस समय और वार्ता करने का समय नहीं था, जो समस्या थी वह उनके सामने अड़ी हुई थी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनिंद्र ऋषि से अर्ज की थी, भगवान आज हमारे सामने ये समस्या आई है, अभिमानी रावण हमारी याचना नहीं मान रहा है। हमने उसे खूब दूत भेजकर, अंगद को, हनुमान जी को, सबको भेजकर उससे प्रार्थना कर ली है, इसको लौटा दे मेरी पत्नी को, वो माना नहीं। अब नहीं माना तो हमने युद्ध करना पड़ेगा, और उसके लिए रास्ता चाहिए समुद्र पर। समुद्र रास्ता दे नहीं रहा। इसने विधि बताई कि आपके शिष्यों के पास ये शक्ति थी, मेरा दुर्भाग्य कि आज इनके हाथों में भी शक्ति नहीं रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो हम मैं रोज़ बताता हूँ कि अभिमान से भगवान कोसों दूर है, और इतने दिन के बाद इतना दुख था इनके ऊपर, इन्होंने फिर बकवास कर दी, अब इनके पास यह शक्ति नहीं रही। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी समस्या का समाधान करो। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे सकते हो सिला तराने का, तो आप खुद भी कृपा बख्श सकते हो मेरे लिए लंका में जाने का रास्ता बना दो। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है भाई, मेरा वचन है तेरे बाप तय। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बाप से मेरा वचन है कि तेरा पुल बनवाऊंगा। अब ये रामचंद्र जी का समझ में नहीं आया कि मेरे बाप से और क्या वचन है इनका, क्या वायदा है। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था कि जब मैं प्रथम सतयुग में सतलोक से यहाँ आ रहा था, तो बीच में इस काल की एक तपतशिला है, वहाँ पर जीव दुखी किए जा रहे थे, और मैं जोग जीत रूप में अपने पुत्र के रूप में वेशभूषा में था। तो इसने पहले मेरे साथ कुछ बकवास करी थी, ज्योत निरंजन ने इसकी पार नहीं बसाई थी, तो मेरे चरणों में गिर गया था, और इसने मेरे से वचनबद्ध करवा कर कुछ प्रार्थना की थी कि कुछ और सुविधा मुझे देना। उनमें से एक तो ये थी कि मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में जाएगा, और ऐसे उसके प्रारब्ध में लिखा है कि उसकी पत्नी को रावण उठाएगा, समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, आपके बगैर वहाँ कोई कृपा नहीं कर सकेगा, उसकी हेल्प नहीं कर सकेगा। तो परमात्मा ने स्वीकार किया था कि मैं ये काम भी करूँगा। फिर दूसरा वर किया था कि वो फिर समुद्र के ऊपर उसने जो तीर त्यार दिखा कर जबरदस्ती धमका के रास्ता लेना चाहा था, इसका प्रतिशोध समुद्र लेगा। वो क्या करेगा कि जब ये श्री कृष्ण रूप में जाएगा, और फिर ये क्या करेगा बाद में मृत्यु के उपरांत, एक राजा को दर्शन दे करके जगन्नाथ का मंदिर बनवाना चाहेगा अपनी महिमा बनाए रखने के लिए। तो उस पुरी के स्थान पर जो जगन्नाथ मंदिर बनवाओगा, उसको समुद्र इस प्रतिशोध में नहीं बनने देगा कि इसने मेरी बेइज्जती की थी तीर दिखा के राम रूप में, इसका प्रतिशोध लेगा और वो मंदिर न बनने नहीं देगा, बार बार तोड़ेगा।
आप उसका मंदिर बनवाना, क्योंकि बच्चे हट कर लेते हैं तो वो मानते नहीं हैं, तो इसलिए वो कह रहा था जी आप दया करिए, वो मानेगा नहीं। तब परमेश्वर ने कहा था तथास्तु, और भी कई चीज़ें कही थी कि दूसरा ये मांगा था कि तीन युगों में जीव थोड़े पार करना, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं कलयुग या तेरे नीचे के लोकों में जाऊंगा और तूने सबको मिसगाइड कर रखा है, सच्चा भगवान सच्चा ज्ञान छुपा रखा है, मैं सच्चाई बताऊंगा और सबको ज्ञान दूंगा, ऐसी भक्ति और नाम दूंगा, सभी तेरे लोक से पार होकर सतलोक जाएंगे। तो इस बात से वो बहुत दुखी हो गया कि तू मेरा नाश करेगा, मेरे बाग को उजाड़ेगा, क्योंकि काल ने हमारे को मिसगाइड करके, धोखा करके, मूर्ख बना के, विवश करके और इस कच्ची बेड़ियों से बांध रखा है, यो शरीर दे दिया, इसमें हाड़ चाम मांस सारा थूक टट्टी पेशाब सारा भरा पड़ा है और हमने इतना प्यारा लगा है ये छूट नहीं जा। परमात्मा कहते इतना बढ़िया शरीर दूंगा, वहाँ जाकर ना नाड़ी होगी, ना नस होंगी, ना कोई बीमारी, ना हारी, ना कोई बीपी हाई ना लो होगा। तो वो हमने पता ही नहीं था कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ ऐसा सुख है। तो परमात्मा ने कहा था तेने क्या हाल कर रखा उन बच्चों का सारा, कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, और जो मनुष्य वो कौन से सुखी हैं, उनको ऐसा ज्ञान दूंगा और ऐसा मंत्र दूंगा वो यहाँ भी सुखी होंगे, मेरे साथ सत लोग जाएंगे। तो इस बात से वो दुखी हो गया था काल कि तो नाश करेगा मेरा, मेरे बाग ने उजाड़ेगा, भगवान का पता लग गया, सच्चे स्थान का पता लग गया तो यहाँ कौन रहेगा। तो तब उसने चरणों में गिर के रह रह करके कबीर भगवान से याचना की थी कि तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप कितने ले जाना, और फिर ये पुल बनवाने का, जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने का ये भी प्रॉमिस करवाया था। जब उसने सारा परमात्मा प्रतिज्ञा कर ली थी तो फिर ये खलनायक है, ये विलियन है, धोखेबाज और ठग है, इसने तुरंत अपना आंखें बदल ली और कहा जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कहते हैं द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोही, और पहले अंश हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारे आई, और जाइयो जोग जीत संसारा। परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं त्रेता युग में जाऊंगा, ठीक है भाई चौथे युग में जाऊंगा कलयुग में, और फिर पार कर लूंगा, तने गलती तो मेरे से करवा ही ली। वैसे मालिक ने गलती नहीं की, दाता को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक जीव दुखी नहीं होगा इतना भगवान नहीं पहचान सकता, इसलिए दाता ने जानबूझकर उसको यश कर दी थी, और वो बन गया था स्याणा, अपने आप में इंटेलिजेंट बन रहा था कि मैंने रोल मार ली भगवान की, हैं मैंने इनकी अकल मार ली, मालिक ने अकल मारी उसकी। अब वो क्या कह रहा था कि देख लेना कलयुग जब आएगा, पहले मैं अपने दूत भेज कर ऐसा गलत प्रचार करवा दूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित कर दूंगा, कोई पत्थर कोई पानी कोई मंदिर कोई मस्जिद गुरुद्वारों में बांध दूंगा, और पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारा आई, जाओ जोग जित संसारा, जीवन मन फिर कहा तुम्हारा। कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सारा उल्टा ज्ञान उल्टा भगवान उल्टा विधान सबको बता देंगे, गलत मंत्रों से हटा देंगे, ये राधा स्वामी पंथ धन धन सतगुरु पंथ निरंकारी पंथ ये रासाराम जैसे ये सारे नकली पंथ काल के चलाए हुए। तो परमात्मा को पता था कि इसने कर लेते सारे जुगाड़ अपने, और जब मेरा दास जाएगा ऐसे समय में जब इनके परिपक्व हो चुके होंगे सारे पंथ, इन्हें जो कहना सुनना होगा वो सब कह चुके होंगे, जो ज्ञान देना होगा वो दे चुके होंगे, जो नाम देना होगा वो नाम दे चुके होंगे, और जब मेरा दास जाएगा वो प्रमाणित करके दिखाएगा कि सच्चाई ये है झूठ ये है, तो दो मिनट में मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और घर घर देखो बोध बिचारा और सतनाम सब ठोर उचारा। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो बताया था कि चौथा युग जब आएगा और कलयुग बीतते 5500 जब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता सकल सृष्टि
सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता है कि जब वो कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होगी कि घर घर में सतनाम का जाप होगा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी। लेकिन ये उस समय सच्चा होगा जब कलयुग 5500 बीत जाएगा और उस समय सभी को पता होगा कि एक परम पद है। कौन सा? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।